हाय। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी क्लास बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होता है। अगर आपको भी ज्यादा सोने की आदत लग गई है और सुबह अलार्म रिमाइंडर काम नहीं कर रहा है, आप उठते हो एक बार फिर सोचते हो थोड़ा और सो लें, अभी तो जल्दी है, थोड़ा और सो लें, तो ये चेंज कर लीजिए, क्योंकि बची हुई जो जिंदगी के पल हैं उन्हें थोड़ा जी लीजिए। एक दिन तो वो दिन वैसे आने वाला है जब परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए सो जाना है ना। हर किसी का एक दिन वो आने वाला है जब आदमी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। तो अगर 20 साल जीना है, उसमें से 10 साल सो के बिता दोगे तो 10 ही साल तो जियोगे, है ना। काम की बात, आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ना क्या है, सुपर टेट मैथ चल रही है, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं इसमें। चलिए फिर कर लेते हैं क्लास नंबर। आज हमें लगता है कि ये 11 है, इसमें गलती से 12 पड़ा है शायद। बोलो क्यों, कल 10 नंबर चला था ना? नहीं, 11 चल चुका है, 12 है। ठीक है, तो मैं मार्कर में इंक भर लूंगा अभी। पहले आप लोग लिखो यहां पर, योग पर आधारित प्रश्न। भाई देखो, योग पर आधारित प्रश्न में मैंने दो टाइप लिखवाया था, एक सिंपल वाला, एक वर्गों वाला लिखवाया था। हेडिंग डालो नीचे। हर्षिता जी ठीक हैं आप? क्लास समझ में आ रही ना? किसी के कोई और शिकवा शिकायत? चंदन कुमार जी आप भी ठीक ठाक है ना? लिखिए प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर आधारित प्रश्न, इसमें का सेकंड टाइप था। संख्या के वर्गों पर प्रश्न। अब देखिए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इसमें भी कई टाइप हो जाते हैं, ठीक है, चार या पांच टाइप इसमें भी हो जाते हैं। प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर आधारित तो जो प्रश्न है, इनकी भी अलग अलग कई कैटेगरी हो जाती है। तो मैं यहां पर इसको भी करवा देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है, ऐसे बना लो चाहे तो। इनकी भी कई कैटेगरी हो जाती है, ऐसे बना लो चाहे हो तो। नंबर एक लिखो, जब श्रृंखला एक से लगातार हो, या फिर ऐसे बोलें, जब सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो श्रृंखला, एक से शुरू हो। जब श्रृंखला एक से शुरू हो, मतलब सीरीज। बी, क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब इतने टाइप इसमें पढ़ना है। वंदना यादव समझ में आ रहा है? चंचल सबको आ रहा है ना? चलो सी नंबर। सभी लिखिए तब मजा आएगा, ये लिखना जरूरी है। मैं इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं, चाहूं तो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूं, लेकिन आपको लिखना है। ये साथ साथ में लिख लो, बाद में नहीं लिखोगे। सम या विषम,
और ये मैथ है, गणित है, जितना लिखोगे पढ़ोगे अभ्यास करोगे उतना आएगा। चलो डी नंबर, कीर्ति पांडे। आ रहा समझ में? अश्वनी आपको भी आ रहा है? अगला लिखो, एकांतर श्रृंखला। अरे जिसे बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। दो क्लास छोड़ दिया अंजलि साहू जी ने, इन्होंने वर्क नहीं किया अपना। 6 बजे और 7 बजे वाली क्लास में इन्होंने कमेंट रिप्लाई नहीं किया एक भी। अब इनकी तो जॉब गई। अगला लिखो, शर्त पर आधारित प्रश्न। मीन्स कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, लिख लो कंडीशनल टाइप क्वेश्चन। ये इतने टाइप के इसमें आप पढ़ोगे, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। चलो फटाफट लिख लो भैया, लिख लो लिख लो, स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़े जल्दी से। और वैसे मैं रुक रुक के लिखवाया हूं, अगर आपने लिखा होगा तो हो गया होगा। सभी सुपरटेट वाले हैं ना? ठीक है, अब इनमें मैं पहला शुरू करूंगा, सीरीज जब एक से शुरू हो। ठीक है, लिख लो चाहे तो हेडिंग में, नहीं तो नीचे लिखो महत्वपूर्ण सूत्र। नीचे लिखो महत्वपूर्ण सूत्र। इनका कोई बेसिक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सब फार्मूले पे ही लगेंगे। या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखिए, वर्गों का योग बराबर। जी बिल्कुल, ये सीटेट टेट रीट सुपर टेट सबके लिए है, क्योंकि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस है देश में लगभग सब एक ही समान है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल में अंतर होता है। ठीक है, लेवल में, टाइप में, और कुछ थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर होता है कोर्सों में, बस। लगभग अगर आप पढ़ोगे सब तो सब एक के चीज। और नंबर सिस्टम तो वैसे हर किसी के लिए है, SSC, रेलवे, RRB, कुछ भी कर रहे हो। वर्गों का योग ये आपका एक फॉर्मूला होगा यूनिक, इसी पे सब लगेगा, इसी सूत्र पे सब लगेगा। क्वेश्चन लिखिए, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूं जिससे कि आप लोग लिख सकें, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं वो लिख सकें। क्वेश्चन लिखो, ये फार्मूला उसी के लिए है जब एक से नंबर शुरू हो, सीरीज वन से स्टार्ट हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। संख्या 1 से 30 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या मत लिखो स्टार्टिंग में, 1 से 30 तक योग बताना है। ओके, क्रिकेट विद दीपक। ठीक है दीपक, वेरी गुड। देखो बेटा समझो,
एक से लेकर 30 तक मेरे भाई यार आदत पड़ गई है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, सॉरी ये बेटा उटा बोलने की, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक ऑफलाइन भी पढ़ाता था सीबीएसई वालों को, तो बहुत सारे बच्चे रहते थे। क्या कह रहा है कि 1 से 30 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जो यन का मान है ना वो लास्ट वाली संख्या होगी हमेशा, लास्ट वाली संख्या क्या है हमेशा यन का मान होगी। यहां पर आप लिख भी सकते हो छोटा सा, जहां यन बराबर अंतिम संख्या, ठीक है, यन बराबर क्या अंतिम संख्या। जल्दी लिखो इसको, लिखो। अब इसको हल करवाए, देखो बहुत सिंपल है, सिंपल है। 1 से 30 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब ये हुआ मेरे भैया कि ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 30 का स्क्वायर, इसको सब करके जोड़ लें वही आंसर होगा बिना किसी सूत्र के। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन कहूं यहां पे साइड में देखो, अगर मैं कहूं कि 1 से 5 तक की क्रमागत, सुनो 1 से 5 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, सुन रहे हो, 1 से 5 तक की सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ही तो है ना, कर सकते हैं ना भाई साहब, ये 1, ये 4, 9, 16, 25। जोड़ो 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 जोड़ो, 5, 9, 5, 14, 14 ये जोड़ो, क्या है भाई आ गया 30 आएगा ना, 30 और ये 55 ना, 55 आया ना, बोलो 55 आया ना, यानी जब 1 से लेकर के 5 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बोला तो मैंने बड़े आराम से कर लिया। लेकिन भैया हो, अगर आप 30 तक का करोगे नानिक मौसी याद आ जाएंगी, काहे को, काहे को बीच में संख्याओं के जो वर्ग हैं वो याद नहीं रहेंगे सबके। 29 का वर्ग बताओ कोई नहीं पता है, अगर बीच में आ गया 95 का वर्ग बताओ तो नहीं पता है भाई, 2 का वर्ग 4 का वर्ग तो पता है लेकिन ये याद थोड़ी रहता सब, तो इसमें जुगाड़ लगाते हैं जिसको सूत्र बोलते हैं। कीर्ति जी बिल्कुल, अभी लास्ट में ऊपर नंबर दिया जाएगा, आप उस पर इंक्वायरी कर सकती हैं, क्लास के बारे में इंक्वायरी करना है उस पर कर सकते हैं। अंजलि साहू कमेंट मॉडरेटर हैं, क्या ये हैं अभी या गई, कमेंट रिप्लाई करना है इनको बच्चों का, ये अगर प्रेजेंट हैं तो कुछ हाँ हूं बोलें, इन्होंने ज्वाइन किया है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी रोज। अब चलो, अब क्या करना है इसमें, फार्मूले में रखो योग बराबर यन का मान 30 है, याद रखना लास्ट अंक जो है वो यन का मान होता है, तो भाई यहां रख दो 30, यन की जगह पे 30, 30 धन 1, जहां पे यन है वहां 30 रखना है, बहुत आसान है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम के सदस्य आपकी हेल्प करेंगे। चलो 30 दूना 60 है कि 61, 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 5 से गुणा कर लो,
मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से आप कर लोगे। घोड़ा भाग तो आपको आता है ना, 9455 आएगा ये। तो हमारा मोबाइल नंबर आ गया। जोकराम मीना, जोकराम जी, नंबर सिस्टम जहां जहां आता है सबके लिए बाबू। ये नंबर सिस्टम बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जा रहा है इसमें। जल्दी करो, लिख लो, मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सेल्फी ले लो मेरी, एक फोटो खींच लो थोड़ा सा। चलो लिए कि नहीं? अब टाइम नहीं है, नहीं लिए तो जाओ, चलो भागो। अब क्वेश्चन बदलेगा। कौन कौन लिया भाई फोटो? मेरा मतलब मेरी फोटो खिंचाना नहीं था, तुम स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लिख सको इसे। बस अगला क्वेश्चन, एक से लेकर 50 तक निकाल दो एक। चलो एक से 50 तक। चल भैया, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? ये क्वेश्चन है आपको अभ्यास के लिए है। एक से 50 तक अगर बोले तब क्या करोगे? फोटो लिया आप लोग, व्हाट्सएप पे भेजना, ऊपर दिया गया ना, मैं देखता हूँ कौन अच्छी फोटो निकाला है। चलो फोटोग्राफर बना दिया जाएगा आपको। एक से 50 तक, वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। चलो देखो कैसे, योग बराबर यन का मान रखोगे। यन का मान मेरे भाई 50 है, ठीक है? लास्ट वाली संख्या यन का मान होती है 50 धन 1। पचास दूना 100, 101। देखो ये 6 से नहीं कट रहा है कोई ना, काट के देखो, कट नहीं रहा है। 6 कम 6 4 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, अभी नहीं कट रहा है। लेकिन ये गुणा कर लेंगे तो कट जाएगा, मल्टीपल कर लेंगे तो कट जाएगा आपस में। कैसे? इनका गुणा करो, 50 एकम 50 का 0 हासिल 5। सही जा रहा है ना? 50 एकम 50 का 5 हासिल आया कितना? रुक जा यार, 50 एकम 50 का 0 हासिल आया 5, और 50 पंचे 250, 5 255 ना, गुणा 101। अब ये 6 से कट जाएगा, काट के देखो, 6 से 425 आएगा। 425 का 101 में गुणा कर दो मेरे भाई, कितना आएगा? कर लो जल्दी से, 49,242, 925 आएगा। बयालीस 925 आएगा। हाँ ये 3 से कट सकता था, 3 से आप 2 बार में काट सकते थे। 3 दूना 6, हाँ ये ऐसे होता, 3 से आप काटते तो ये कट जाता। ये 3 3 का 9, 3 7 21, ये 37 आ जाता, 37। और जो नीचे 2 आया रहता वो इससे कट के 25 हो जाता ये, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता गुड़ा। लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करो, देर ना किया करो, देर ना किया करो। चलो अब जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, अभी मैंने टाइप बताया था कि जब श्रृंखला शुरू एक से होती है या बीच से होती है, अब दूसरा टाइप लिखो। एग्जाम्पल, जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, बीच से शुरू हो। ए भाई साहब, ये ना ऐसे करो ना यार, लिखो 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 लिखो, हेडिंग डाल दो ऊपर, मैंने लिख रहा हूं, आप हेडिंग लिख लो। जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, जब श्रृंखला बीच से शुरू हो।
देखिए, आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है क्लास में, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बाबू। निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका पूरा फुल कोर्स सिस्टम से और जल्दी से जल्दी पाने के लिए पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें। ये नंबर दिया है, कोई इंक्वायरी चाहिए तो इस पे संपर्क करें, ठीक है? ऐप के अंदर आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा, तो जरूर डाउनलोड करें और इनरोल करें, मतलब ज्वाइन करें। चलो बताओ। पंद्रह से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। यहां पे बात ना करो, मैं इंक्वायरी के लिए बात नंबर दिया हूं। चलो फटाफट बोलो। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है। वो क्या करना है, सुनो सूत्र तो आप एक ही सुन रहे हो, एक ही फार्मूला है, इसका तो कोई अलग फार्मूला है नहीं। हम एक काम करेंगे, सुनो वो क्या है, लिखो। हम इसको 1 से 25 तक करेंगे, यहां पे हल लिखो। एक से 25 तक की संख्याओं का मैंने वर्ग कर दिया, लेकिन ये कह रहा था 15 से 25 तक। क्या कह रहा था, 15 से 25 कह रहा था ना? तो मेरे भाई हमने ज्यादा कितना कर दिया इसमें, ये बताओ कितना ज्यादा कर दिया? ये 15 से 25 बोल रहा था, मैं 1 से 25 कर दिया, यानी 1 से लेकर 14 तक जो मैंने लिखा वो एक्स्ट्रा है ना, उसको इसमें घटा देंगे। बस आंसर आ जाएगा 14 तक, जो उसको घटा दो इसमें से, हल कर लेंगे, आंसर आ गया। ये दोनों में सूत्र लगा देंगे बारी बारी। अंकित बेटा परेशान ना रहो, नंबर दिया गया बाबू, उस पे संपर्क करो, और आप जाके पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे काहे बन चढ़ की हो? हाँ चलो, यन का मान रखोगे इस सूत्र में, रखो फटाफट। यन का मान 25 है, देखो लास्ट अंक होता है ना, यन का मान 25 रखो इसमें, फिर यन का मान 14 रखोगे। चलो यन का मान 25 रखो, 25 धन 1 मतलब 26, लिख ही देता हूं, 2 गुणे 25, क्योंकि यन का मान 25 रखना है, 2 गुणे 25 धन 1, ये आपका इधर वाला आ जाएगा। समझो समझो समझो, इधर वाला भी ऐसे साथ में हल कर लो भैया। यन का मान 14, यन का मान यहां 14 रखोगे, 2 गुणे यन, यन मतलब 14, हल कर लो खटाखट, आ गया आंसर। इतना आसान है ना, बस फास्ट हल करिए। 25 दूना 50 है कि 51। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहे हो, शॉर्ट कट देखो, हर चीज का शॉर्ट कट नहीं होता है। आप गंगा जी के किनारे बैठे हो और गंगा जी खूब उफना के बह रही हैं, और पुल एक ही है, कहो मुझे शॉर्ट कट जाना है, मैं पुल से नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कूद जाऊंगा, तो क्या होगा? डायरेक्ट कूदने का हर जगह ऑप्शन नहीं होता, जहां पानी कम है वहीं से आप डायरेक्ट कूद सकते हो, पुल से ना जाओ तब भी निकल सकते हो, लेकिन अगर एक ही पुल है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसी से जाना होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में होता है, यही एक ही पुल है, यही तरीका है। नीचे दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है आप कम दिख रहा होगा, कट जाएगा तो ठीक है, एक लाइन और बढ़ जाएगा ये। 14 28 31, अब ऊपर मिटा के मैं ऊपर हल करूंगा, ठीक है? फिर घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर मिटा रहा हूं, जल्दी लिख लो फटाफट, लिख लो फटाक दे, मिटा रहा हूं ऊपर।
स्क्रीनशॉट ले लिया करिए टाइम टाइम पे, जिससे कि आपका छूटे ना। देखो बेटा अब क्या करोगे मेरे भाई, समझो। यहाँ पे देखो इसको काटना है, तो आप इसको क्या करोगे, दो से काट दोगे, काट दो, दो तियाई छा, दो से काटोगे 13 आएगा, तीन से इसको काट दो 17 तेरह 51 होता है ना। फाइनल में आपका 25 × 13 × 17 आया, माइनस ये दो से काटो, दो तेई छा, इनका सबका गुणा कर लो, इनका कर लो और घटा लो, कैसे कितना आएगा, कर लोगे ना कि नहीं, सभी कर लोगे, जल्दी बताओ। 25 का 13 में गुणा करो, फिर 17 में करो, उम्मीद है कि सभी कर लोगे, ठीक है। हाँ परदुम सिंह, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू परदुम जी, करो भाई फटाफट करो, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें, नहीं ना। कितना आंसर आएगा एक बार करके देखो, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर शायद 4500 समथिंग आएगा, 4500 समथिंग आएगा ना, 55 25 आएगा, 13 पंचे 65 का 5, हाँ फिलहाल 6 13 दूना 26, और 26 6 32, यानी 325, और 17 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 55 25, इसका भी गुणा कर लो मेरे भाई, मुझे लगता है 1015 आएगा लगभग, क्यों सही जा रहा हूं मैं, 1015 आएगा ना, 7 पचे 35 करके देखो कितना आएगा, 35 का गुणा 29 में कर लो, वही आएगा 1015, ये आंसर आएगा, लिख लो। देखिए अगर आप कैलकुलेशन तेज करना चाहते हैं तो आपका बेसिक सही होना चाहिए, अगर बेसिक नहीं आता तो पीवीआर स्टडी में 0 लेवल ज्वाइन करिए। बेसिक नहीं आती है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो अब यहाँ जोड़ना घटाना तो बताएंगे नहीं, आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके एनरोल करिए और 0 लेवल से सीखिए खटाखट। आगे बढ़ जाए फिर, एक और क्वेश्चन लिख लो, 21 से 40 तक, इक्कीस से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पंडित हरि ओम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से थैंक यू, उम्मीद है कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो ऐसी बनी रहें। आगे बढ़े फिर हम लोग, जल्दी करो भाई लिखो फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो भाई, इक्कीस से 40 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें भी ऐसे लगाओगे आप लोग, एक बार बताओ सभी कर लोगे कि नहीं, हाँ या नहीं, ईमानदारी से बोलो सभी कर ले जाओगे इसको। शालिनी उपाध्याय, क्लास खत्म होने वाला है। 21 से 40 सिंपल है, सिंपल है, इसमें भी ऐसे करोगे, ऐसे बस सूत्र लगा दोगे, इसमें भी उसमें भी घटा लोगे आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 19,270। कितना आएगा, 19,270। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ,
आप सभी गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी का ऐप जरूर डाउनलोड करें और उस ऐप में जा करके प्ले स्टोर पे 5 स्टार की रेटिंग दे करके अपने विचार लिखिए कि आपको हमारी क्लास कोर्स कैसे लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कितना समझ में आता, नहीं आता, सब लिखिए। पहले जैसे कर लेंगे ना विपिन जी, खा लो, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। साथियों, मैंने आपको 4 टाइप बताया था, इसमें 5 टाइप ना, स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, सम विषम पर आधारित, और जब कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन हो, जब संख्या जो है श्रृंखला बीच से शुरू हो, जब श्रृंखला लगातार हो और एकांतर श्रृंखला हो, मीन्स अल्टरनेटिव सीरीज हो, ये सब टाइप बताया था ना, तो उसमें का आपका लगभग दो दो पॉइंट मुझे लगता हो चुका था। तीसरा है सम या विषम सीरीज, ठीक है। इसमें मेन हेडिंग आप डालेंगे, जो मुख्य हेडिंग है, योग पर आधारित प्रश्न। क्या मेरी आवाज क्लियर है? इसमें डालेंगे साथियों आप तीसरा हेडिंग, सम या विषम सीरीज, हिंदी में आप इसे श्रृंखला लिख सकते हैं, ठीक है, सीरीज को। अब इसे कमेंट आपका आ रहा है, चंचल प्रजापति, आपका भी कमेंट आ रहा है, गोलू गेमर भैया, ठीक है, आपका भी कमेंट आ रहा है, जिनके नाम है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने कमेंट में या कहीं अपना नाम उनका है ही नहीं, उल्टा पुल्टा उठ पड़ांग है, उनका नहीं बोलता। मिनी वाइटी का भी कमेंट आ रहा है, शिवा चौधरी, पंडित हरिओम शर्मा, आलोक, अजीत राम, सलमान, पूजा सिंह, पूनम यादव, वैरागी, रौनक, अनु पांडे, अभिनव, और भी बहुत से तमाम सैकड़ों छात्र जुड़े हैं, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। बीच बीच में मैं नाम बोलता रहूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, और अंजलि साहू आज से आपकी कमेंट मॉडरेटर हैं, ये सबका कमेंट रिप्लाई करेंगी, अगर किसी को रिप्लाई नहीं करेंगी तो आप शिकायत करिएगा, इनको भगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें देखिए, पिछली सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था योग वाला, याद करिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 बताया था ना। तो साथियों वो तब लगता था जब आपने देखा होगा सीरीज रहती थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ना, जो अभ्यर्थी इसका पीछे का क्लास नहीं देखा वो उसे जरूर देख ले जाके, ठीक है। तो सम और विषम पे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, तब आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया आएगा कि हाँ कर क्या रहे हैं हम लोग। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे सम संख्या तो आप जानते हो 2 से शुरू होती है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये जितने भी नंबर हैं वो सभी सम संख्याएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे सही तरीका देखा जाए तो इसपे ब्रेकेट लगा के तब स्क्वायर लगाते हैं, तब ये दोनों पे स्क्वायर माना जाता है, अन्यथा केवल 2 पे स्क्वायर माना जाता है, लेकिन लोग ऐसा लगा देते हैं, ये सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट समझिए क्या करना है भाई, ऐसा तो कोई सूत्र मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन मैं एक आइडिया बताऊं, सम विषम वाले पर भी ये सूत्र लगाया जा सकता है। कैसे? अपने इंडिया में जुगाड़ चलता है, पता है ना आपको, जिसके पास बर्फ नहीं होता वो अंगुली से ही टूथपेस्ट लगा कर लेता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ जुगाड़ लगाएंगे, काहे को, क्योंकि इसके लिए तो कोई सूत्र था नहीं, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं समझना, पहले तो ये सूत्र आप याद करिए जो मैं कल लिखवाया था, यहाँ शॉर्टकट में मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ऊपर, योग बराबर n इंटू n प्लस वन और 2n+1/6। बोलो भैया, ये लिखवाया था ना मैं, आपको याद भी होगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, वो जुगाड़ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, कुछ भी आप समझिए, इसमें कॉमन ले लोगे, आप कॉमन ले लोगे तो बन जाएगी सीरीज, लेकिन कॉमन कैसे करोगे, कॉमन कैसे करोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा। रंजीत कुमार कमेंट आ रहा, परेशान ना रहे। देखिए, इसमें जब 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे साथी इसमें क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर
टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। थोड़ा रुकिएगा, जिनको ये ना समझ में आ रहा, मैं अभी डिटेल में इसको बताऊंगा। ये 16 का स्क्वायर, ये बचेगा। देखो मेरे भाई, एक्चुअली कॉमन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। जैसे मैं कहूं, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक मिनट रुक के, मैंने आपको दो हाथ दिखाए, दोनों हाथों में कुछ वस्तु लिया है, आप सभी को दिख रहा है, पहचान रहे हो। ये बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है जो दोनों हाथ में कॉमन है। वही कॉमन है का मतलब ऐसे समझ लो, जो वस्तु दोनों हाथ में हो। एक हाथ में तो हमारे कुछ ऐसी चीज है जो दूसरे में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। जो दोनों में है वो कॉमन है, बताओ कमेंट करके क्या है। तो भाई एक छोटा सा बचवा भी आपका जान जाएगा कि दोनों हाथ में तो पेन लिया, मतलब मार्कर, बाकी स्याही के डिब्बा तक कट गया है। यानी ये स्याही की डिब्बा कॉमन नहीं है, ये मार्कर कॉमन है, क्योंकि दोनों में। तो कॉमन तभी होता है जब वो एक से अधिक जगह हो। अगर कहें कि बताओ हमारे अंदर क्या कॉमन है, तो हम किसी से कंपेयर करेंगे अपनी, तब कॉमन बताएंगे ना, कि हमारी नाक बहुत बड़ी सी है, हमारा मुंह छोटा सा है, आंख बड़ी सी है। अगर कहें कि अकेले कंपेयर करें, तो किससे करेंगे, आसमान से, जमीन से। तो ये समझ रहे हैं, लेकिन इसका, इसमें थोड़ा सा आपको कम मजा आ रहा है। देखिए मैं इसको बता देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर जब मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो ये 1 का स्क्वायर कैसे बचा, ये समझिए। देखिए ये 2 का स्क्वायर था ना, हमने क्या किया, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। साथ ही मेरे कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन ले रहे हो उससे भाग करना, यानी 2 का स्क्वायर में हम 2 का स्क्वायर से ही भाग करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4 होगा, 1 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर लिख लो चाहे घन लिख लो, अपने जरूरत के अनुसार इसे हर कोई यूज कर लेता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। तो इसका 1 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके खोपड़ी पे नहीं लिखते, इसके साइड में लिखते हैं ये ऐसे, ठीक है। ये तो हुई बात पहले के लिए। अब दूसरके में देखो, जब 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो 4 का स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर कैसे आया, थोड़ा समझना। जब मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया 4 का स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर कैसे बचा, देखना। देखिए एक्चुअली ये क्या है, 4 का स्क्वायर है ना, ये है ना, इसमें से हमें क्या करना है, हमें 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन का मतलब ये होगा, मतलब 2 का स्क्वायर से भाग करना, समझिएगा। पूरी गारंटी है सिखाने की, जाइएगा नहीं बीच में। आइए अब इसका मतलब है कि ये भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, बोलो। सही जा रहे हैं ना, इस 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2। भाई साहब 2 से 2 काट दो बाबू, और ये 2 से 2 काट दो, तो कितना बचा, ऊपर 2 गुणे 2 बच रहा, नीचे तो सब खत्म हो गया ना। तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। हाँ यस, किसी को कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सीरीज कैसे बनी। अब जरा याद करिए, पीछे पीछे जरा याद करो उस दिन को जब मैंने आपको ये सीरीज का ये सूत्र बताया था, बताया था ना। तो आप क्या करोगे, इस बीच वाली सीरीज में आप इस सूत्र को ला करके जबरदस्ती लगा दोगे, और इससे गुणा कर दोगे, बाहर से हो गया आंसर। आया समझ में, चलिए लगा के दिखाते हैं। आइए, और इस सीरीज में मैं आपको एक ट्रिक बताया था, नहीं ट्रिक उरिक मत लगाओ, चलो सिंपल लगा लो, सिंपल सा। देखो भाई, यहां पर यन का मान क्या होता है, जो अंतिम संख्या है ना, जो अंतिम संख्या है वही यन का मान होता है। तो आइए, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, अंदर में इसमें सूत्र लगा दीजिए, यन इंटू यन प्लस वन। यन का मान मेरे भाई 16, और यन प्लस वन यानी 16 धन 1 मतलब 17, ठीक है। और 2n+1 मतलब 2n का मतलब 16 दूना 32, और प्लस 1 का मतलब 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 33, और टोटल में नीचे कितना, 6। बोलो कुछ दिमाग में घुस रहा सबके ना। अब सुनो, अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से इसको काट दो 8, और भाई साहब इनको काट दो बाबू 11 आ जाएगा। अब फाइनल में क्या करोगे, 4 बहरे हैं, रहने दो बहरे इनको, 8 17 और 11,
ये गुणा कर लीजिए, आप इन सब का जब मल्टीपल कर लोगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करोगे 1496 आएगा, 11 8 88 आएगा, 88 का 17 में गुणा करोगे 1496 आएगा, यही लगभग ना, करके देखो। और 4 से गुणा कर लो, उसमें हो जाएगा, सभी कर लेंगे पक्का, लिख ही देता हूँ कितना आएगा, 5984 ना फाइनल में, का है लो डिटेल में लिख देता हूँ भाई साहब, 4 6 24 हासिल 2, 4 9 36 2 38 हासिल 3, 4 4 16 3 19 हासिल 1, 4 1 4 1 5, ये हो गया आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, कीर्ति पांडे, सचिन, सिमरन, मोहम्मद आरिफ, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखिए अब मैं आपको कुछ जुगाड़ बताने वाला हूँ, ये तरीका थोड़ा लंबा है, मैं ट्रिक बताऊंगा। एक बार सभी कैंडिडेट बोलें क्या मेरी आवाज अच्छी आ रही है, यस बोल दो भैया, एक बार मेरी आवाज बेहतर आ रही है एकदम मस्त, एक बार बोल दो ना, हाँ आ रही है, काहे को चिल्ला रहे हो, आगे बढ़ाओ ना। चलो तो देखिए अब क्या करना है, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसी तरह के क्वेश्चन में मैं एक आपको सुपर फास्ट वाली ट्रिक बताऊंगा, एकदम राजधानी की स्पीड से जाएगी वो, देखना कैसे। ये सब लफड़ा नहीं करना इसमें, कामन वामन का बड़ा लंबा हो जाता है। आवाज तो सही आ रही ना, ठीक है फिर बढ़िया है। चलो अब देखो ट्रिक, देखो कैसे क्या करेंगे भाई, ट्रिक देखो, यहां पे लिख दूं सम या विषम दोनों के लिए, सम या विषम दोनों प्रकार की सीरीज के लिए ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखिए अंतिम से 3 क्रमागत पदों का गुणा, ट्रिक क्या है, अंतिम पद से 3 क्रमागत पदों का गुणा बटे 6, बस यही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत आसान है, इसी क्वेश्चन में आप कर लोगे। और चलो एक बार करके देखो, करके देखो भाई, चलो दूसरा क्वेश्चन एक करके दिखाऊं क्या। अभी मैंने जो किया कहां तक था, 32 तक था ना, चलो उसी क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करके देख लो एक बार, करके देखो अंतिम पद से, देखो सीरीज कैसी थी अभी, जो थी 2 का स्क्वायर था, 4 का 6 का, मतलब जो भी था लास्ट में सम संख्या थी ना, सम से ही शुरू हुआ था, लेकिन पहली सम से शुरू होनी चाहिए, याद रहे, ऐसा नहीं कि बीच में 8 से शुरू है, अगर अगर 8 से शुरू है जैसे 8 का स्क्वायर, फिर कुछ और नंबर है 10 का स्क्वायर, तो उसके लिए कुछ और होगा, ये पहली सम संख्या जो होती है 2, वहीं से शुरू होना चाहिए, या फिर पहली विषम संख्या से शुरू होना चाहिए तब भी ठीक है, लेकिन बीच उच से अभी नहीं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई चलो मल्टीपल कर लो, अंतिम 3 पद, पहले ये बताओ इसमें अंतिम पद क्या है, लास्ट पद क्या है, लास्ट पद क्या है, 32 है ना, तो 32 ले लो, अंतिम 3 क्रमागत पद, यानी 32 से 3 पद हम सीरियल से चलेंगे क्रमागत, यानी 32 33 और 34, इनका गुणा करके 6 से भाग करना है भैया, कर लो, उम्मीद है कि वही नंबर आनी चाहिए जो अभी आई थी, इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं आया तो बेइज्जत हो गई। चलो 2 से काट दो, 2 3 6, ये 16, 3 से काट दो 11, 16 11 और 34, गुणा करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। जल्दी करो कितना आएगा, अंजलि साहू नंबर कमेंट करिए, 9793 वाला, मल्टीपल करो फटाफट, 11 × 16, हाँ × 34, फट से करो भाई, पंकज कमेंट आपका दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, देखो कितना अच्छा जुगाड़ बताया ना, अरे बाबा देखो भाई उतना आया ना, 59 84, बिल्कुल सही, ठीक है, अभी यही आंसर तो आया था ना आपका, जो वो
कॉमन वोमन वाला किए थे। बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं तो मैंने देख करके लिख दिया, वैसे गूढ़ा करूंगा मैं तब भी वही आएगा। बोलो एक बार सभी, यस आया समझ में ना, आगे बढ़ जाए फिर। रवि पांडे, सचिन, रंजीत, हरि ओम, पंडित शर्मा जी, ठीक है। तो आप समझ गए ना, अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे चुपके से, कोई जान ना पाए, और जल्दी से। चलो अब की बार भैया मैं आंसर का पहले तो ऑप्शन दूंगा, पहले ऑप्शन ले लो इधर। ये आपका ऑप्शन है, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पे आप 4040 कर लोगे, बस ये क्वेश्चन बदल गया। अब आप इसका आंसर जो है इस ऑप्शन से देख के बताओ कितना आएगा, जल्दी करें। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अगर आप ईमानदारी से, ध्यान से और प्यार से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन बदल चुका है, अब बदल चुका है। इस सीरीज का, इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन डाल सकते हो आप। कितना आएगा कोई बताए एनीवन? अगर पहला ऑप्शन सही है तो 2A लिखोगे, दूसरा सही है तो 2B, तीसरा सही है तो 2C। जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई जल्दी करो, फास्ट आप लोग जवाब दो, मैं आता हूं तुरंत, कहीं जा नहीं रहा हूं। बोलो हो गया? अच्छा एडवर्टाइजमेंट आ गया होगा, डोंट वरी आने दो। ए रुके रे भाई यार, रुके काहे को हिल रहा है, ठीक है आओ चलो। रवि बेटा तुम पैदा ही व्हाट्सएप से हुए हो तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे मम्मी पापा की है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 11480, बी नंबर सही है, बी नंबर सही है, वेरी गुड। कहो ये क्या हो रहा है यार, बी नंबर सही है, ठीक है। देखो मैं बताऊं कैसे, अंतिम पद से तीन क्रमागत पद लेना मेरे भाई, अंतिम पद है 40, 40, 41, 42 बटा 6, 6 सत्ते 42, तो 40 गुणा 41 गुणा 7, गुणा कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप सभी जानते हो, सबको पता है ना, 11480 आएगा, कर लो। अब भाई ये ना कहो कि हम सुपर टेट वाले हैं, हमें गुणा करना नहीं आता है, अधिकतर लोग इसमें बच्चे वाले होंगे, कुछ ऐसे भी सुपर टेट वाले होते हैं जिनके 8-8 साल का लड़का लड़की होती है, मतलब इतने बड़े सीनियर होते हैं वो, तो कम से कम ये चीजें तो आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है, डोंट वरी, कोई पेट से पैदा हो गए सीख के नहीं आता। पीवीआर स्टडी ऐप पर मैं जीरो लेवल से मैथ सिखाता हूँ, एकदम जीरो लेवल से, ये समझ लो मैं ये सब भी बताता हूँ, ये सब भी बताता हूँ। ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पर मेरे भाई 3 1 4 अंक पर दशमलव लगेगा, ये इतना आएगा, ये मैं सिखाता हूं एकदम शुरू से, आप एक बार ऐप डाउनलोड करके ट्राई करके देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए इसी टाइप का, फिर मुझे बताइएगा आंसर उसका, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। सूरज जी मैं समझाते समझाते ना आधा पागल हो गया हूं, 19th वालों को पक्का मजबूरी में कह रहा हूं, इनको कितना भी टाइम बताओ, तुम कुछ भी बताओ, ये डंडा किए रहेंगे, हर क्लास में आएंगे, 10th का नहीं चलता, 9th का नहीं चलता,
और चलेगा तो ये पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, नहीं आते क्लास में, बाद में आएंगे जब क्लास उनकी बंद हो जाएगी तब। बेटा टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी अगर ज्वाइन किए हो तभी पढ़ पाओगे, 9th-10th में नहीं पढ़ पाओगे। और नहीं जानते हो ज्वाइन करना तो सीख लो अपने भैया भाभी दादा दादी से। चलो देखो, अगर इसको मैं 41 कर दिया, अब ये विषम संख्या की सीरीज बन गई, ऐसे कैसे बन गई? अरे बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखो विषम सीरीज ऐसे थोड़ी बन जाएगी, कहां से बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरे भाई तीसरा, ये सीरीज आपकी विषम वाली बन रही है। अब ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखो अब ये विषम वाली सीरीज बन रही। अब इसका जो ऑप्शन है वो बताओ आप लोग मुझे, ईमानदारी से बताना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। चलो ऑप्शन लिखो, वैसे तरीका होगा जैसे था अभी, जैसे था वैसे होगा। इसमें से कौन सा होगा? एनीवन कोई बताएगा। थर्ड में अगर सी सही है तो आप बोलोगे 3C, अगर डी सही है तो 3D, ऐसे कमेंट करोगे। पूर्णिमा सिंह कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। मिस्टर हुजैफ वाईटी, भाई इतना खतरनाक नाम तो मैं बोल नहीं पाता हूँ यार, और इसके आगे भी इनका नाम में और कुछ है तो माफी चाहता हूँ। छोटा नाम रखो आसान, जिससे मैं सही नाम बोल सकूं, नहीं तो कहोगे मेरा तो नाम है गलत बोलते हो। और कोई, रवि पांडे, हाँ ठीक है रवि आपका भी कमेंट आ रहा है, ओके डोंट वरी। ए रुक के भगवान, काहे को गुस्सा है आप मुझसे, हैं काहे को नाराज है। अमित, अंजलि साहू और एनीवन, हरिओम पंडित जी कह रहे हैं कि मम्मी आपके पढ़ाने के तरीकों को बहुत लाइक करती हैं, मम्मी से मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें बड़े बुजुर्ग, जिससे कि आपको हम पढ़ा सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब सी, ठीक है सी नंबर ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसने बताया था, जो सही बताया है तो उनका नाम है रवि पांडे। रवि पांडे के बाद में कोई बताया था तो सिमरन ने बताया था, ठीक है वेरी गुड। कितना? 12,341। तरीका वैसे होगा, अंतिम से 3 पद का गुणा करके 6 से भाग करना है, ठीक है। तो अंतिम 3 पद कहाँ गया, ले लो ना क्रमागत पद 41 है ना, तो 41 फिर 42 फिर 43 और फिर 6, बस यही है। 6 से भाग करो, 6 से बन जा ये 41, 43 × 7 मल्टीपल कर लो, फालतू का मैं काहे को करूं बार बार, वही आएगा। एनी डाउट किसी को? नहीं। अब एक और भी नया टाइप था इसमें, उसको भी लिख लो, अभी टाइम बचा है। जब मैंने स्टार्ट किया था इसके पहले जितनी क्लास हुई आज तक 12 क्लास हुई है, 5, 5, 10 और 2, 12, उनको आप जरूर देखना, नहीं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। साथ ही मेरे जब योग पर आधारित तो मैंने ये टॉपिक लिया था, उसमें मैंने 5 टाइप लिखवाया था, अगर याद हो आपको। जब श्रृंखला 1 से शुरू हो, जब श्रृंखला 20 से शुरू हो, जब श्रृंखला सम और विषम सीरीज में हो, मतलब श्रृंखला मतलब सीरीज होता है इंग्लिश में, जब एकांतर सीरीज हो, जब शर्त पर आधारित क्वेश्चन हो, ये 5 टाइप बताया था, जिसमें मैं 3 टाइप बता चुका हूं। चौथा टाइप डालो एकांतर, यानी अल्टरनेटिव सीरीज, ऐसे कुछ बोलते हैं ना शायद। लिखिए अल्टरनेटिव सीरीज, यानी एकांतर श्रृंखला, लिखिए फटाफट एकांतर श्रृंखला। अब क्या करेंगे हम एकांतर श्रृंखला में, सूत्र मिटा दें, लगेगा तो यही फिलहाल, जुगाड़ लगा के लगा देंगे, वैसे सीधा सीधा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा गांव में, शहर में तो मैं नहीं देखा, गांव का मैं रहने वाला ज्यादा, तो गांव में देखा हूं
अगर कोई चीज किसी चीज में फिट नहीं बैठती ना, तो उसे गर्मा के ठंडा करके ठोंक पीट के बैठा दिया जाता है ना, जानते हो कि नहीं? तो वैसे ही क्या करेंगे, इसमें भी हम सूत्र को जो है वो ठोंक पीट के बैठा देते हैं जब सही सही नहीं बैठता है तो। लेकिन हाँ, अब इतना तेज मत ठोंको कि जिस चीज को ठोंक रहे हो फूट जाए। तो वैसे इसमें सूत्र को गलत तरीके से ना बैठाओ कि सवाल गलत हो जाए। ये मिटा रहा हूं, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर इस पे पड़ेगा हेडिंग। सभी लिखिए फटाफट। एक आंतर श्रृंखला, फोर नंबर या ABCD डाल रहे हो आप, तो D नंबर डालना। मार्कर तो चल रहा है ना, मार्कर में स्याही काहे को भरूं रोज रोज। एकांतर श्रृंखला इंग्लिश में अल्टरनेटिव सीरीज ऐसे कुछ बोलते हैं यार, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती। फिलहाल देख लेता हूँ, अल्टरनेटिव सीरीज ही लिखवाया था शायद, अल्टरनेट सीरीज ना। ठीक है, लिखिए अल्टरनेट फ्रीज। ओके, गूंज दिया, उतना हो गया। अब क्या करना है, ये अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है? जब तक क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक बात समझ में आएगी नहीं। और मैं सुपर टेट के लिए एक नई बैच भी शुरू करने वाला हूँ। एक बात और बता दूं, जो कैंडिडेट सुपर टेट का रेगुलर क्लास चाहते हैं अच्छे से ईमानदारी से, वो PVR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है? उसमें से जाके ज्वाइन कर लें, जिससे कि वो कम समय में अच्छे से सीख पाए। मैं क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी इस पे नंबर दूंगा। जिनको कोई इंक्वायरी करना है ऊपर अभी मैं नंबर लिख दूंगा, वो उस पे संपर्क कर सकते हैं। अभी नंबर लिख दूंगा इस पे, डोंट वरी। चलो, तो इस सीरीज का, इस टाइप का मेरे भाई ये पहला क्वेश्चन है। जैसे 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट, और ये चला जाए कहाँ तक, मान लो 35, 36, 37 तक चला जाए। -36 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर -37 का स्क्वायर का योग, अगर इसका योग पूछा जाए तो क्या होगा? बोलो। देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर जो नंबर है वो प्लस माइनस दोनों में है, अगर आप ध्यान दीजिए तो। ये सीरीज क्या है, माइनस प्लस दोनों में है। एक चीज समझने वाली है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो क्या भाई, सम माइनस में है। जितनी भी इवन नंबर हैं वो निगेटिव हैं, जितनी भी ऑड नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। बोलो, हाँ ना? तो अब क्या करेंगे, सूत्र वाला हम सिस्टम मिटा देते हैं, जगह कम है। इसका आंसर तो कोई बताएगा क्या मुझे? एनीवन, कोई बताएगा? देखो सुनो, बताता हूं, इसमें एक जुगाड़ लगाओगे। जैसे मैंने बताया ना अभी शुरू शुरू में, अगर घर में एक बोतल का ढक्कन गायब हो जाता है तो मम्मी लोग दूसरे वाले खोल के उसमें सेट कर देती है ना, जुगाड़ लगा के, है ना? कलर भले बदल जाए, बोतल काले कलर का है और ढक्कन लाल कलर का हो गया, अलग बात है। देखिए, तो वैसे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट सूत्र तो लगेगा नहीं, इसमें हम कुछ जुगाड़ लगा के सूत्र लगा देंगे। वो कैसे, देखो इसमें जितनी प्लस वाली संख्या है उन्हें एक सीरीज में लिख लो। जैसे 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन्हें हम कॉमन ले ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं, इनका बंटवारा कर दे रहे हैं अलग अलग। तो लास्ट में जो विषम संख्या है मेरे भाई वो क्या है, 37। समझ रहे हो? अब देखो एक चीज और, कोई भी अगर संख्या माइनस में है, अगर उसमें से 1 कॉमन ले लिया जाए माइनस में, सॉरी, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो -2 है, इसको मैं -1 × 2 लिख सकता हूं कि नहीं?
बोलो। हाँ लिख सकता हूँ। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो इसका हिसाब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बाहर आएगा तो इसका हिसाब हो जाएगा, ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस सीरीज में जो माइनस वाले हैं, माइनस दो है ना, इसमें मैं माइनस पहले कॉमन निकाल दूंगा बाहर, जब माइनस बाहर कॉमन निकाल दूंगा ना तो अंदर के सब प्लस हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियों में होता है, कोई अगर एक बंदा किसी अपोजिट पार्टी में है तो सारे नेता मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसको गाली देते हैं, लेकिन अगर कल को वही अब उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो दूध का दूल्हा एकदम चिक्कन चिट्ट हो जाता है, ऐसा सुने हो कि नहीं, फिर उस पर कोई अंगुली नहीं उठाता, कोई ब्लेम नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो वैसे क्या करना है भाई, इसमें से माइनस बाहर निकाल देंगे तो अंदर के सब एकदम स्वच्छ साफ हो जाएंगे, अच्छी छवि वाले। अब देखो समझो, अब ये सीरीज एकदम प्लस वाली बन जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये 36 का स्क्वायर। ऐसे बंद कर दीजिए फिलहाल, वैसे ऐसे करते नहीं है, इसको ऐसे बंद करते हैं, लिख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। चलो समझ में आया भाई, मोदी जी को ब्लॉक करिए जल्दी। मोदी जी का मतलब नाम लेके मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, इनको ब्लॉक करिए। चलिए आप देखिए, समझिए, यहां पर ये एक सीरीज बन गई प्लस वाले की, सॉरी हाँ विषम वाले की, ये सम वाले की, और सम और विषम वाली सीरीज दोनों अवस्था में मैंने कहा था कि आप फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा ट्रिक लगा सकते हो, अंतिम वाला पद लेकर के 3 स्टेप तक क्रमागत आगे बढ़ोगे। होता ना ऐसा, सुनो तब क्या करना है भाई, इसका अंतिम 3 पद, अभी जो ट्रिक बताया था पिछले सवाल में, जो अभी अभी आया है वो थोड़ा बैक करके देखेगा समझ में आएगा, मैंने ट्रिक बताया था, अंतिम पद से 3 क्रमागत पद लोगे, यानी 37, 38, 39। क्यों भाई, सही लिखा हूं कि नहीं, बटा 6, ये हो गया इसके लिए पूरे के लिए, और माइनस इसके लिए 36, 37 और 38 बटा 6। इनको हल करो, इनको हल करो, आपस में घटा लो भैया, देखो हल करने का तरीका देख लो, पहले इनको 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, तो इनको भी तो काटोगे वो नहीं से आएगा, फिर इनको 3 से काट दो, 13 आएगा। अब देखिए समझिए, ये 37 × 19 × 13 आया, इनका मल्टीपल करना और घटा देना, यहां भी ऐसे जुगाड़ लगा लो, 2 तिहाई 6, काय को भी इस बार काटोगे, 6 × 6 = 36, यानी ये हो गया 6 × 37 × 38, सभी कर लेंगे पक्का। अब देखो भैया, इनका गुणा कर लो मेरे भाई, अब इतना तो आपको आना चाहिए, मैं इसको भी बताऊं क्या, इतना तो आपको आना चाहिए, सुपर टेट में आप बच्चे वाले हो चुके हैं, बच्चे नहीं अब। चलो तो ये 30, ये कितना आ जाएगा, 91 समथिंग आएगा, 91, 39 माइनस का इसको घटा लोगे करके कितना आएगा, ये 84, 36 या 30 के लगभग आएगा, करके देखो फटाफट करो, 84, 36 आएगा, इसको आप इसमें से घटाओगे तो 700 के लगभग आएगा, 705 वहां जाएगा क्या, नहीं 703 आएगा, हो गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं, ये चीज आपको आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर ये नहीं आता है तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाकर के 0 लेवल से मैथ ज्वाइन कर लीजिए, ये मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं, इस पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, इस पर आप सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स या फिर बेसिक मैथ का भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट के 3 ट्रिपल 9 है, याद रखना 999 है लास्ट में, 999 है लास्ट में 3 बार, ठीक है, बाकी नंबर तो आपको दिख ही रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं नो डाउट, आगे बढ़े। लक्ष्मण भील, हाँ रंजीत कुमार, रवि पांडे, अभी एक कोई आया था, मेरा नाम लीजिए, शंकर मोदी नाम था उनका, भाई प्रधानमंत्री जी हैं श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, हाँ ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोग का नाम तो मैं जानता था, शंकर मोदी तो पहली बार सुन रहा हूँ।
फिलहाल ठीक है, वो जा चुके हैं। देखिए एक चीज ये समझिए कि नाम कहने से नहीं होता बेटा, ठीक है ना, कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। तुम्हारा नाम कोई फालतू का क्यों लेगा? किसी काम का बनो ना, तब नाम लेंगे लोग। तो काम का बनते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, नाम के पीछे पड़ते पड़ते जिंदगी बदनाम हो जाती है। ये तो बदनाम हो जाओ अच्छे, तब भी नाम हो जाएगा। चलो तो इस सीरीज का एक और क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा के एक स्टेप। राजदीप जी, आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। अब यहां पे समझना, क्या समझना है, एक क्वेश्चन इसी टाइप में थोड़ा सा और अलग। बहुत समय लग जाता है ज्यादा क्वेश्चन करवाने पे, इसलिए देखिए एक टाइप का मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, इसको 41 से लेके 43 तक ले जाइए, यहाँ पे यही बदलेगा बस। चलिए इसका आंसर कितना आएगा? अखिलेश ने आंसर बता दिया इसका, बहुत अच्छे अखिलेश, वेरी गुड। और कोई एनीवन ट्राई करेगा इसको? भाई वो क्वेश्चन नहीं है जो पहले 11,480 वाला किए थे, वो नहीं है। अच्छा ना, मेरी आवाज तो आ रही है आज, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, क्या बात। आज मैं नहाया तो नहीं हूं, ये बात तो अलग है। रोज रोज नहीं नहाते, फालतू का पानी नहीं वेस्ट करते हैं, वाटर बचाइए। भाई रुक के यार, चलो आंसर दीजिए फटाफट, मैं बता देता हूं। आइए देखिए, इसमें भी वैसे ही करना है। पहले तो आपको सम विषम अलग अलग कर लेने हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 जो आठ नंबर है 43 तक है, माइनस इसमें आप 2 का, प्लस 4 का। देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के सब प्लस हो जाएंगे, याद रखना, ये जो माइनस माइनस है ना, ये सब प्लस हो जाएंगे अंदर में, ठीक है। अब फिर प्लस डॉट 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 डॉट, ये 42 का स्क्वायर तक था। इसमें सूत्र लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए जो अभी आप लगाए थे, हो गया आपका आंसर फाइनल। बताऊं क्या क्या बताऊं इसको, कर लेंगे ना जैसे बताया था। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, यहां से शुरू करिए, लास्ट के 3 गिनती ले जाइए, 43, 44 और 45। अभी ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में, इसमें भी लास्ट वाले गिनती से शुरू करिए और 3 गिनती तक ले जाइए, गुणा करके 6 से भाग करिए, इनको सब कर लीजिए। 2 तिहाई 6, ये 22 आ गया, 3 से काट दीजिए 15 आ गया, फाइनल में 43, 22 और 15, ये 6 सत्ते 42, 7 43 44, गुणा करिए इनका फटाफट, यहाँ पे माइनस नहीं भूलना। कर लेंगे ना पक्का? कर लो भैया, कर लो कर लो, आ जाएगा, ये आएगा 14,000 समथिंग आएगा, कर लो 14,190 माइनस, इसको भी गुणा कर लोगे आप फटाफट तो ये आपका आ जाएगा 13,244, 900 समथिंग आएगा क्या? हाँ ठीक है, ओके गुड, 946। एनी डाउट किसी को? नहीं ना, कोई डाउट है तो बताओ, लिखिए फट से। कक्षा 9 का बेटा चलता है राजदीप जी पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर शाम 6 बजे से। कभी कभी इस चैनल पे भी चलता है जहां जुड़े हो, लेकिन वो कभी कभी, रेगुलर नहीं। बाकी आप दोनों चैनल पे जुड़े रहो, 9th 10th के लिए पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल। अंजलि साहू कमेंट मॉडरेटर भाग गई क्या? ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं, इनको भगा दिया जाएगा पक्का है।
जिसका जो काम है वो ईमानदारी से करे तभी बेहतर है। तो आज का ये क्लास यहीं पे खत्म होता है, चलते हैं कुछ हम भी मानते धुलते हैं। हाँ आज का काम यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ बाकी पीबीआर स्टडी ऐप की क्लासें हैं अभी शुरू होंगी आधा घंटे बाद, तो जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन में इनरोल हैं वो स्पेशली हमारे साथ पढ़ सकते हैं बेहतरीन रूप से कम संख्या में। यूट्यूब पर 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, हमें सबको देखना पड़ता है। एप्लीकेशन में हमारे टोटली 10 से 15 हजार बच्चे हैं, जिसमें सुपर टेट में मुश्किल से अभी 400 से 600 बच्चे होंगे, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है आपको डाउट वगैरह पूछने में और भी चीजें पढ़ने में। तो आप भी चाहें तो ऐप के अंदर इनरोल कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है उस पे मैसेज या कॉल करें। ठीक है फिर चलें। इतना बड़ा एटीट्यूड छोड़िए, जाने दीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आज के लिए इतना ही, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ डीएलएड का हमारी कोशिश है कि 10 अगस्त से मैं शुरू कर दे रहा हूँ रात 10 बजे, डीएलएड यानी बीटीसी का रात 10 बजे से। इस समय रात 9 बजे वाली क्लास कुछ दिन के लिए बंद चल रही है, बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। रात 9 बजे वाली क्लास सिर्फ कुछ दिन के लिए बंद है।